ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो एक्ट के मामलों को लेकर अब दिल्ली पुलिस गंभीर हो गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने नाजुक उम्र में शोषण का शिकार होने वाले बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक नाजुक पहल की शुरुआत की है। देखिए रिपोर्ट। अंकल आप कौन हो? मैं हूँ अजनबी अंकल। ताली बजाओ अंकल, ताली बजाओ। थैंक यू। दिल्ली में पॉक्सो एक्ट के बढ़ते मामलों पर दिल्ली पुलिस ने नाजुक अभियान छेड़ा है। इस अभियान के तहत निम्न आय वर्ग इलाकों में रहने वाले बच्चों को हादसों से कैसे बचाया जाए और कैसे ऐसे लोगों की पहचान की जाए या ऐसे हादसे के बाद क्या किया जाए, ये समझाया गया। दिल्ली में दर्ज आंकड़ों के अनुसार बच्चों पर होने वाले शोषण और अपराध के मामले नॉर्थ वेस्ट जिले में सबसे ज्यादा है, लिहाजा सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत यहीं से की गई है। दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने इस अभियान को लॉन्च किया। एक पहल है जिसको हमने नाम दिया नाजुक। हमारे माइंड में था कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव पुलिस की तरफ से हो ताकि हम कुछ इस तरह की वारदातें जो आप अखबार में पढ़ते हैं और हमारे लिए आंकड़ा बन जाता है, ऐसे कुछ अपराध हम अगर रोकथाम करने के लिए कोई भी एक कदम ले, वो उस दिशा में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम लाएगा। नाजुक अभियान के लॉन्च के मौके पर दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त मनीष अग्रवाल सहित कई डीसीपी, एसीपी और अन्य पुलिस अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में वजीरपुर, जेजे कॉलोनी और इंडस्ट्रियल एरिया से सैकड़ों की संख्या में बच्चे और उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। बच्चों को नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया, साथ ही इन्हें अपने अपने इलाके के थाना अध्यक्ष और अधिकारियों के बारे में भी बताया गया। संयुक्त आयुक्त मनीष अग्रवाल ने इस अभियान को दिल्ली पुलिस आयुक्त की पहल बताया। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी विजयंत आर्य ने भी सभी का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि जो नाजुक बात बताई गई है वो सभी लोगों को समझ आई होगी। मैं निश्चित तौर पर महसूस करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद जो हमारे अभिभावक हैं, जो अभिभावक के बच्चे हैं और जो ये अध्यापक हैं, उनको कुछ तरीके जानने को मिलेंगे जिससे कि कोई व्यक्ति जो कि किसी गलत मंशा से बच्चों को अप्रोच कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ बच्चों का और उनके पेरेंट्स का कि उन्होंने हमारी ये नाजुक बात सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई और आप इन बातों का आगे भी ध्यान रखेंगे। हमने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को एक पायलट डिस्ट्रिक्ट इसलिए चुना है, इस एरिया में ज़्यादातर कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं जहां पर पॉक्सो एक्ट के केसेस दर्ज होते हुए पाए गए, तो इसलिए इसको सबसे पहले हमने चुना है और आने वाले टाइम में हम दूसरे ऐसे डिस्ट्रिक्टों में भी इसको चलाएंगे जहां पर हमको लगे कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम चलाने से ऐसे वारदातें हम रोका जा सके। बच्चों पर ऐसे अपराध ज़्यादातर जानकार लोग बहला फुसला कर या लालच देकर करते हैं। नाजुक के इस अभियान के तहत ऐसे बच्चों को सावधान किया जाएगा, समझाया जाएगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा ताकि बच्चों पर होने वाले ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल को दिल्ली दर्पण टीवी सलाम करता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर